नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे एक 12 वोल्ट की बैटरी को सोलर प्लेट से हम चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल ही एक आसान तरीका है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखते रहें। दोस्तों यदि आप इस सोलर प्लेट को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, आप क्लिक करके इसको ख़रीद सकते हैं। दोस्तों जो सोलर प्लेट की जानकारी रहती है, इसका डिस्क्रिप्शन रहता है, वो सोलर प्लेट के पीछे मिल जाता है। तो आपको ये मैं आपको बाद में पढ़ के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें एक एक दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी जो हमें इसमें लगाना ज़रूरी रहता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी जो मल्टीमीटर है उससे रीडिंग बताता हूँ। दोस्तों अभी मैंने इसको धूप में नहीं रखा है, जब मैं इसको धूप में रखता हूँ तो जिसका एम्पियर रहता है वो बढ़ जाता है और वोल्टेज में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है। तो 17 वोल्ट तक इससे बिजली अभी बन रही है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें एक 4700 UF का कैपेसिटर लगाएंगे। ये कैपेसिटर लगाना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों आप देखते होंगे कि जो धूप रहती है वो आती जाती रहती है, तो जैसे ही इसमें जो जब छाया आएगी तो जो कैपेसिटर रहेगा वो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, जिसकी मदद से जो वोल्टेज रहेगा वो कांस्टेंट बना रहेगा और बैटरी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक और चीज़ लगानी होगी जिसे हम डायोड कहते हैं, इसका नंबर है 4007। ये डायोड दोस्तों इसलिए लगाना आवश्यक है क्योंकि जैसे ही रात हो जाती है तो जो बैटरी का करंट रहता है वो वापस उल्टी दिशा में फ्लो करने लगता है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज होने की कंडीशन में आ जाती है, तो इसको भी आपको लगा देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये सर्किट हो चुका है कंप्लीट। अब मैं आपको इसकी रीडिंग को चेक कर दिखाता हूँ। दोस्तों इस सर्किट को लगाने पर कोई भी वोल्टेज में या फिर करंट में कोई डिक्रीज नहीं होगा। साथ ही दोस्तों इसके एक फ़ायदा ये है कि जो एम्पियर रहेगा सोलर पैनल का, कैपेसिटी रहेगी जो सोलर प्लेट की, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमने एक कैपेसिटर इसमें लगाया है जिसकी वजह से चार्ज स्टोर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बैटरी को हम इसमें कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों बैटरी में दो टर्मिनल्स रहते हैं, एक लाल कलर का एक काले कलर का, एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है। तो उससे पहले हम इस बैटरी को ज़रा चेक कर लेते हैं। तो एक हमारे पास है एक बल्ब, तो आपको मैं इसको जला कर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप इसकी रोशनी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी कम है। जब वीडियो में आखिरी में मैं इसको चार्ज करके दिखाता हूँ तो इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये दोस्तों दो वायर्स हैं बैटरी के साथ, इनको कनेक्ट कर दूँगा मैं। अब दोस्तों इसके कनेक्शन करने के लिए आपको जो डायोड वाला वायर है उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। और दोस्तों जो पॉजिटिव वाला वायर है उसको रेड के साथ कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से इसके कनेक्शन होंगे। दोस्तों ये ज़्यादा समय नहीं लगाएगा चार्ज होने में, इसको यदि अच्छी धूप मिलती है तो ये बहुत जल्दी बैटरी को चार्ज कर देता है। कम से कम 2 या 3 घंटे तक आपको इसको चार्जिंग पर लगाना है। तो दोस्तों जब मैंने इसको 1 घंटे बाद देखा तो इसमें काफ़ी चार्ज स्टोर हो चुका था बैटरी में। जैसे ही अब मैं इस बल्ब को लगाऊंगा तो आप इसकी रोशनी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैटरी ठीक तरह से इससे चार्ज होगी। तो इसकी दोस्तों जो रोशनी है बल्ब की वो बढ़ चुकी है। आगे मैं वोल्ट मीटर से भी आपको इसकी रीडिंग चेक कर कर दिखाता हूँ। तो ये टर्मिनल्स को दोस्तों हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोलर प्लेट के वायर्स को मैंने निकाल दिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट 32 बता रही है दोस्तों, तो बैटरी चार्ज हो चुकी है।